पुरानी बाजार पालीगंज से बने हुए हैं। बीते रात्रि 26/7/2023 को आपसी विवाद की वजह से एक सोना जो होती है, आप दिखा सकते हैं जो सुनारी दुकान, उसमें आपसी विवाद की वजह से आग लगा दी गई थी। वो कैसे आग लगी, क्या मामला थी, मैं इस दुकान के जो ओनर है मैं उनसे बात करता हूं कि मामला क्या था, कैसे आग लगाई थी। तो सर ये कैसे हुआ था? सर मामला कुछ नहीं था, थोड़ा सा मतलब आता था, मेरे बगल में एक और दुकान भी किराना का, उसमें मेरी बहन बैठती है जी। तो वहाँ आके सर अभद्र तरह के मतलब कभी इशाराबाजी तो मतलब गंदे कभी चीज़ बोलते रहता था। तो एक दिन दो दिन छोड़ दिए सर, हमेशा मतलब छोड़ते रहेगा थोड़ी ना कोई इंसान। तो एक दिन गुस्सा में मतलब 24/7/2023 को मतलब हम एक दो तरह को उसको मार दिए, तो अभी हाथ चला दिया पूरा, तो हाथ चलाया तो मेरा सर हाथ मोड़ दिया, तो मेरा उंगली भी टूट गया सर। उसके बाद हम छोड़ भी दिए सर, उंगली टूट गया तो हम इलाज वाज करने लगे सर। फिर उसी रात को सर आया, रात को 9:37 पे कैमरा कवार लेके चल गया सर। फिर हम उसके अगले दिन उसके गांव गए घर की तरफ, तो एक पिंटू यादव नाम के एक आदमी बोले कि कैमरा है दिखाया हमको, हम तुमको 2-4 दिन में कैमरा दे देंगे। हम बोले ठीक है, हम कैमरा मिल ही जाएगा, तो कहा लाज अगर बढ़ाएं। फिर क्या हुआ ना सर, एक दिन बीच हुआ 25/7/2023 को बीच हुआ, उसके बाद 26/7/2023 को रात को 11:56 पे टायर के माध्यम से अंदर पूरा आग लहका दिया। उसके बाद 1.5 घंटा बाद मतलब धुआं से इनको बगल वाले को पता चला, फिर हमको सूचना मिली जी जी जी। उसके बाद जानकारी हमको मिला तो सर आनंद फानंद में हम लोग पूरा पानी वानी किए, अथी किए, गेट उठ खोल के पूरा पानी वानी मारे हैं। उसके बाद फिर हम थाना वाना को बुलाएं उलाएं, उसके बाद उसके घर गए, जिसका लड़का जो किया था, जिस पे शक था शक, तो उसको घर गए। फिर उसके बाद वहाँ से उसको पकड़ उकड़ के लाए थाना में, मिल गए, उसको FIR किए सर। वो लड़का कहाँ के रहने वाले? खपुरा का सर। उसका नाम क्या है सर? नाम तो उसका सर ऐसे सब रंजीत नाम है, और उर्फ बेला बेला सब बोलते रहते बेला राम के नाम से। उनके पिताजी का नाम आप जानते हैं? नंदन राम कुछ ननक या ननक राम जी, ननक राम। तो जी ये जो मान के चलिए आपको सूचना के अनुसार मालूम हो गई, तो आपने अफरा तफरी में इसे बुझाने का काम किया जी जी। अगर नहीं बुझ पाती या वैसे कुछ मिनट या कुछ घंटे लेट हो जाती, देर हो जाती, तो करीब कितने अभी फिलहाल में कितने की नुकसान हुई सर, और बाद में कितने की नुकसान हो पाती? अभी तो सर ज्यादा का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 1-2 घंटा और अगर जल जाता तो सर पूरा दुकान ही साफ हो जाता सर, अगर बगल को भी क्षति पहुंच सकता था। तो थाना फिर आगे कार्रवाई के लिए थाना में आपने FIR दर्ज करवाया जी जी। थाना क्या आपको सलाह देती है सर? बोले हैं कि जो होगा उचित कार्रवाई करेंगे उस पे जी। वो जो संदेश दिए उन संदेश से आप संतुष्ट हैं सर? अभी तो बोले हैं अभी नहीं करवाया, वो तो फिर उसके बाद सोचा जाएगा अगर फिर आगे कदम लेंगे। अभी तक बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, उसको क्या एथी कर दिए हैं, बिल क्या होता है उसको चालान कर दिए हैं उसको चालान कर। अब बताइए कि पालीगंज में भी जो ऐसे दुकान है, चलिए ये तो आप देख सकते हैं सोनारी दुकान है। अब मान के चलिए सूचना के अनुसार कुछ मिनटों में मालूम चल गया, तो जो नीचे बिछाई गई तोशक या जो भी मैं बिछावन बोलूं उससे ही जल करके रह गई। अगर मान के चलिए कुछ मिनट या कुछ घंटे लग जाती, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से नुकसान होती। और बताया जाए कि अब क्या पालीगंज में भी दुकान खोलना सही नहीं रहा या सही रहा, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। क्योंकि मैं बता दूं बीते रात की ये मामला है, आपसी विवाद की वजह से देखिए किस प्रकार से दुकान पे हमला किया गया। तो देखा था इस टायर के माध्यम से, आप मेरे हाथ में एक छोटे से टायर की कटिंग देख सकते हैं जो जली हुई है, इसी टायर के माध्यम से इस दुकान में आगजनी किया गया। और ये मामला पुरानी बाजार पालीगंज की है, और जलाने वाले की पहचान खपुरा के स्थानीय निवासी के रूप में कर लिया गया है, और उसकी जानकारी नजदीकी थाना को दे दिया गया। थाना प्रभारी अपने अनुसार उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, आश्वासन दिए हैं दुकानदारों को कि हम इस पे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे, आप निश्चिंत होकर के दुकान चलाइए। लेकिन सही कहा गया है, दुकान खोल तो दिया जाता है, लेकिन अब किसके सहारे पे मैं दुकान चलाऊं? अगर मान के चलिए कुछ घंटे अगर ऐसी आग लगी रहती तो क्या ये दुकान बच पाती? नहीं।
तो चलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इन्हें संदेश दिए, क्योंकि वैसे लोग अगर संदेश नहीं देते तो हो सकता है दुकान की एक भी जो सोने की सामान है या जो भी इस पे रखे वैसे वस्तु हैं, एक भी वस्तु नहीं बच पाते। तो बने रहें सुरक्षा बिहार न्यूज के साथ, ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।